Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you are fine. I am good as well. Welcome to this virtual class. Open workbook 5A, page number 17, unit 2, 4 operations. Open class. First of all, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 4 basic operations कौन कौन से हैं. हमारे पास 4 basic operations हैं, addition, subtraction, multiplication and division. Addition yani ki plus, subtraction, minus, multiplication, multiply and division, divide. So is unit mein hum log one by one addition, subtraction, multiplication and division seekhenge, yani ki order of operations seekhenge. So hamare paas jo worksheet 1A hai aapko nazar aa rahi hogi wo hai multiplying by tens, hundreds and thousands. तो सबसे पहले वन बाय वन हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय टेंस के. हमारे पास मल्टीप्लाइंग डिजिट्स को जब टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वो कैसे सॉल्व होगा. तो क्वेश्चन नंबर वन है फिलिंग इन द ब्लैंक्स. उसका पार्ट वन देखें. आपको सामने डिस्क नज़र आ रही हैं. पार्ट वन में 3 डिस्क हैं, उनमें डिस्क में 10 10 दिया हुआ है और 2 डिस्क में 1 1 दिया हुआ है. जब वो मल्टीप्लाई होंगे 10 के साथ तो वो आपको क्या देंगे. तो 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 में 1 प्लस किया 31 एंड 32. कहते हैं कि जब 32 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ तो अगर डिस्काउंट करें 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 10 310 एंड 300 प्लस 10 320. के जब 32 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ तो वो हमारे पास क्या बनाएगा 320. समझ आ गई क्लास. के जब 32 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ तो वो क्या बनाएगा 320. गुड. अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन मैंने सॉल्व करवाया है और सेम यही मेथड यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर टू भी सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर थ्री भी सेम इसी मेथड में डिस्काउंट करने हैं और आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके क्लास. नाउ ओपन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18. पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लाई. तो आपने इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और ये ध्यान में रखना है कि हम किसकी वर्कशीट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय टेंस की. तो अब आपने उन्होंने आपको पार्ट वन दिया हुआ है. पार्ट ए में लिखा हुआ है 11 मल्टीप्लाई बाय 70, यानी कि 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 70. लाइन जो शो कर रही है कि हमने 70 को क्या किया है, उसके हिस्से बनाए, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 11 को 7 से जब मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया 77. 77 मल्टीप्लाई बाय 10. अब देखें मैंने जहाँ एरो शो किया, एरो से 1 तक शो किए, इट मींस मैं कहती हूँ अभी आप 0 को इग्नोर कर दें कि जब 77 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा. हो गया. तो अब देखें 10 में कितने जीरोज होते हैं, ओनली 1, तो आगे 0 लगा देंगे तो ये 770 बन जाएगा, बजाय इसके कि आप 77 को मल्टीप्लाई 10 करके इतनी लंबी कैलकुलेशन करें. ठीक. कि आपने क्या करना है, 77 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा तो आपने देखना है कि 10 में कितने जीरोज हैं, 10 में 1 जीरोज हैं तो आंसर क्या आ गया, 0 पुट कर देने. अब सेम इसी तरह आप पार्ट बी देखें. पार्ट बी में आपने क्या करना है, 85 मल्टीप्लाई बाय 20. वैसे ही 20 को क्या करना है, दो उसके 2 पार्ट्स बना लिए. 2 पार्ट्स कौन कौन से, कि 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा 20 आएगा, या 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे के 20 आएगा. तो हमने किया 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा 20. हो गया. अब क्या करेंगे, 85 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ. जब 85 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 170 मल्टीप्लाई बाय 10. सेम वही मेथड कि 0 को इग्नोर कर देना है, 170 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 170. वेल डन क्लास. तो आगे कितने जीरो से 10 में 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1700. अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए एंड पार्ट बी सॉल्व करवा दिया है. अब सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए पार्ट सी एंड पार्ट डी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे. समझ आ गई. सिर्फ पार्ट्स बनाने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे मल्टीप्लाई बाय 30, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आएगा 10 के साथ. ठीक है. और नेक्स्ट उससे पार्ट डी है 40, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यही मेथड आ जाएगा सेम. ठीक है. अब आपका होगा होम टास्क के. अब आपका होम टास्क क्या है, तो केयरफुल होकर सुनना है और अपने पास नोट कर दें कि आपका होमवर्क क्या है, यानी कि होम टास्क क्या है. ओके क्लास. अब आपका होम टास्क है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी एंड पार्ट सी. पार्ट ए मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी एंड डी, इसका पार्ट ए एंड बी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए. दोबारा नोट करें, वर्कशीट 1A, पेज नंबर 17 एंड 18, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2.
गॉट इट क्लास। अब आपने क्या करना है, ये आपने अपनी वर्क बुक्स पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करेंगे, मैं आपको बकायदा गाइड करूंगी। कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने केयरफुल होकर अटेंटिव होकर अपना काम करना है। और आई होप कि आपको ये सारा काम आता है, समझ आ गई है। ओके क्लास, थैंक यू।